हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 गणित और प्रश्नावली इसमें रहेगी 4.5। तो ये एक्सरसाइज जो है चतुर्भुजों के बारे में है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं कि चतुर्भुज होती क्या है। तो चतुर्भुज देखो, इसमें क्या है, चार भुजाओं वाला बहुभुज होता है चतुर्भुज, यानी ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हों। कितनी? चार भुजाएं हों, उनके उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये आकृति है आपके पास ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी आकृति है, इसमें चार भुजाएं हैं। एक तो ए बी भुजा है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक ए डी है। तो इसे हम चतुर्भुज कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, इसमें चार भुजाएं होती हैं। ये चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, और ये चार ही इसमें कोण होते हैं, एक दो तीन चार। तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, और चतुर्भुज में ये जो एरिया है ये अभ्यंतर है। क्या है? अभ्यंतर या इंटीरियर, और जो बाहर है उसे हम बहिर्भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भाग। ठीक है, बहिर्भाग का मतलब बाहर, अभ्यंतर का मतलब अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। अच्छा, इसमें होते हैं जैसे आसन्न भुजाएं भी होती हैं। आसन्न भुजाएं का मतलब है जो भुजा एक के साथ दूसरी लगी हो, जैसे ये ए बी भुजा और बी सी, इन दोनों में बी पॉइंट है कॉमन, तो ये आसन्न भुजाएं हैं। यानी ए बी भुजा और बी सी आसन्न है, बी सी और सी डी आसन्न है, और ए डी और डी सी आसन्न है। यानी इनमें बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। तो ऐसी भुजाएं आसन्न भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ में लगी हुई हैं, टच हैं। और सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो जैसे इसके सम्मुख ये भुजा है, ए बी भुजा जो है डी सी के सम्मुख है। ठीक है, और ये भुजा इसके सामने है, सम्मुख है, तो ये अपोजिट साइड्स बोलते हैं या सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास कोण होते हैं। जो कोण होते हैं इसमें, जैसे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन से होते हैं? देखो, ये कोण जो है इसके सामने है, तो ये सम्मुख कोण है। कोण ए और कोण सी जो है सम्मुख कोण है, कोण डी और कोण बी सम्मुख कोण है। ठीक है बच्चों, और आसन्न कोण वो होते हैं जो एक ही लाइन पे बने होते हैं। जैसे ए बी के ऊपर कोण ए बी है, कोण बी बी है, तो ये आसन्न कोण है। यानी कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं 4.5। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, चतुर्भुज है आपके पास, पी क्यू आर एस का रफ चित्र बनाइए और उसके विकर्ण खींचिए और उसका नाम लिखिए, और क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर है आपका। तो हम क्या करेंगे, एक पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना लेते हैं। कौन सी चतुर्भुज बनाएं? पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर और एस, ये चतुर्भुज बना दिया हमने। इसका एक रफ आकृति बनानी थी, रफ चित्र बनाना था। इसके विकर्ण क्या होते हैं? जब हम अपोजिट या सम्मुख कोणों को आपस में मिला देते हैं तो वो विकर्ण होते हैं। यानी P को R से मिलाएं तो ये विकर्ण बन गया, और जब S को Q से मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण बन गया। तो चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं हमेशा। ठीक है, तो विकर्णों का नाम लिख देते हैं। तो विकर्ण पी आर, तो इसमें आंसर है आपके पास विकर्ण पी आर, पी आर। ठीक है, और विकर्ण दूसरा विकर्ण है क्यू एस, क्यू एस। तो दो विकर्ण इसमें दिए गए थे।
ठीक है, कहा गया था इसने दो विकर्ण बनाइए और इनके नाम लिखिए। तो अब ये दोनों विकर्ण जो हैं इस बिंदु पे मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु है इनका ओ। ठीक है, तो अब ओ बिंदु जो है ये चतुर्भुज के अभ्यंतर अंदर है या बाहर है? ठीक है, तो आप बताइए। तो ये चतुर्भुज के अंदर है, अभ्यंतर में है। ठीक है, तो ये लिखेंगे बिंदु ओ, बिंदु ओ अभ्यंतर में है। कहाँ है? अभ्यंतर में है। अगर ये बाहर होता तो हम बहिर्भाग लिखते, लेकिन ये अंदर है तो इसलिए अभ्यंतर में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखिए, आपके पास दिया गया है कि चतुर्भुज के एल एम एन का रफ चित्र खींचिए और सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। ठीक है, तो हम चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। तो ये चतुर्भुज है आपके पास, जैसे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ मैं, ये इसका नाम है के एल एम एन, के एल एम और एन। तो ये चतुर्भुज बना लिया। अब इसमें ए में क्या पूछता है? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बताइए। सम्मुख भुजाएं हैं जैसे इसमें के एल और एन एम, ये दोनों सम्मुख हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये दो भुजाएं जो हैं, ये और ये भुजा दोनों सम्मुख हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा पहला, ए का जो है के एल कोमा एन एम, के एल कोमा एन एम। तो ये एक तो युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म हो जाएगा आपके पास के एन और एल एम, के एन और एल एम, एल एम। तो ये दो युग्म हो गए हैं जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है। ठीक है, ए में क्या पूछा गया था? सम्मुख भुजाओं का युग्म। बी पार्ट में देखो क्या पूछा गया है इसमें, सम्मुख कोणों के दो युग्म। सम्मुख कोणों के दो युग्म बताने हैं हमने। सम्मुख कोण एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे हम कोण के लिख सकते हैं, कोण के और कोण एम कोमा कोण एम। ठीक है, कौन सा कोण एम। तो के और एम जो है दोनों सम्मुख हैं एक दूसरे के, अपोजिट एंगल्स हैं। और दूसरा युग्म हम लिख सकते हैं कोण एल और कोण एन, कोण एल कोमा कोण एन। तो ये सम्मुख कोणों के दो युग्म हमने लिख दिए हैं। तीसरा इसमें सी में क्या पूछा है इसमें, आसन्न भुजाओं के दो युग्म। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं का मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों आसन्न हैं, और ये आसन्न लिख सकते हो आप। यानी उनमें एक पॉइंट जो है कॉमन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिली होनी चाहिए कहीं भी कोने से। तो उनके नाम लिखने हैं आसन्न भुजाओं के। तो आसन्न भुजाओं के युग्म है के एल एल एम, के एल कोमा एल एम। एक तो ये हो गया युग्म, दो युग्म लिखने हैं तो दूसरा एक और लिख देते हैं एल एम एम एन, एल एम कोमा एम एन। तो ये दो युग्म हमने त्रिभुजों के किसके लिखे हैं, भुजाओं के, आसन्न भुजाओं के। ठीक है, फिर डी पार्ट में हम क्या करेंगे? तो डी पार्ट आपको दिखा देता हूँ। आसन्न कोणों के दो युग्म। आसन्न कोण का मतलब जैसे के और एल है, ठीक है, के और एल है,
तो डी पार्ट में इसने पूछा है कि आसन कोणों के दो युग्म, आसन कोणों के दो युग्म कौन से हैं वो बताने हैं हमने। तो आसन कोण जो है के एल और के है एल है, एल है और एम लिख दो, तो कोण के कोमा कोण एल, और दूसरा युग्म एक और लिख देते हैं कोण एम और एन लिख दो चाहे, तो ये यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं कोण एम कोमा कोण एन। तो ये दो युग्म लिखने थे जो आसन कोण हो, जो ऐसे कोण जो एक भुजा के दोनों सिरों पे हों, जैसे ये दोनों कोण जो हैं इस भुजा के दोनों सिरों पे हैं, ये दो कोण भी आसन हैं क्योंकि ये दोनों एक ही भुजा के ऊपर हैं, ठीक है। तो ये हमने करना था इस एक्सरसाइज में। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को दबाना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बच्चों। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।